हमें भारत की राजधानी दिल्ली में जाना होगा, जहाँ इन दो ग्राफिक डिजाइनर्स ने अपनी अमीर होने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नकली नोटों का व्यापार शुरू कर दिया, जो अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं। दरअसल 2016 में जब मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की गई, तब इन दोनों ने अपने इस कांड को अंजाम देने की सोची, जिसके चलते इन्होंने 500 और 2000 के नकली नोटों का कारोबार शुरू किया, क्योंकि इन्हें ये बात पता थी कि सरकार द्वारा नई नोट आने की वजह से लोग इनकी नकली नोट और असली नोट में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। और इसी के चलते इन दोनों ने महज 1.5 महीने के अंदर 7 लाख नकली नोट बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर दिए। मार्केट में इन नकली नोटों को कैसे घुमाना है ये भी इन्हें अच्छे से पता था, जिसके चलते ये लोगों को पैसे उधार में देते थे और साथ ही छोटी छोटी दुकानों पर इन नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे ताकि इनकी चोरी पकड़ी न जाए। लेकिन फिर भी ये आखिर में पुलिस के हाथ लगी गए, जिसके बाद इन्होंने अपने इस कांड का खुलासा किया। क्या देखा जाए तो नकली नोट बनाने वाले सभी गुनहगार इन जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे काम करने वाले कुछ लोग अंगूठा छाप भी हो सकते हैं, जिनमें ग्वालियर का रहने वाला ब्रिजेश मौर्या और उसका भाई शामिल होता है, जो कि अमीर होना चाहते हैं, जिस कारण उन्होंने जाली नोटों का धंधा करने का सोचा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नकली नोट आखिर बनाए कैसे जाते हैं, और इसका जवाब उसे यूट्यूब से मिला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ब्रिजेश ने यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखकर जाली नोट कैसे बनते हैं ये सीखा। जहाँ लोग यूट्यूब से कुछ भी सीख सकते थे, लेकिन इन लोगों ने तो नोट कैसे प्रिंट किए जाते हैं वो सीखा, और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि नकली नोटों का कारोबार करने से आज तक कोई भी पुलिस से छुप नहीं पाया है, और इन लोगों ने सिर्फ 5 महीनों में 8 लाख नोट छाप दिए। अपने इस इल्लीगल धंधे में ज्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से ब्रिजेश ने एक किराए का मकान लिया, जहां ये लोग नकली नोट बनाने का काम करते थे और दिन में इन नोटों को मार्केट में सप्लाई कर देते। मुनाफे की बात करें तो इन्हें 1 लाख रुपयों के नकली नोटों के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नोटों को ये लोग बनाते कैसे है, तो ये लोग नकली नोट बनाने के लिए किसी आम कागज का नहीं, बल्कि इस खास तरह के पेपर का इस्तेमाल करते थे, जो थोड़ा आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर जैसा लगता था। इसकी शुरुआत होती थी स्कैनिंग से, जहाँ कंप्यूटर में असली नोटों को स्कैन करके इसे उस पेपर पर प्रिंट करते थे। वही दूसरी ओर सफेद पतले पेपर पर नकली वाटर मार्क भी लगाया जाता था। ये होने के बाद इन नोटों पर आरबीआई जैसे हरे रंग की सिल्वर पट्टी भी लगाते थे। ये वही पट्टी है जो असली नोटों पर हमें दिखाई देती है, लेकिन ये असली पट्टी जैसी नहीं होती, और कुछ लोग इसी पट्टी को देकर नोट असली है या नकली ये तय करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रिंट की गई नकली नोट किसी आम इंसान के हाथ में देने के बाद वो तुरंत समझ जाएगा कि ये नकली नोट है, जिस वजह से ये लोग अपनी नकली नोटों को असली दिखाने के लिए उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते थे, ताकि जब भी कोई इन नोटों को हाथ में ले तो उसे असली नोटों जैसा टेक्सचर महसूस हो और उसको यही लगे कि ये नोट बिल्कुल असली है। खैर ये तो होना ही था, क्योंकि इन लोगों ने नोट बनाने के लिए इतनी मशक्कत जो की थी। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि नकली नोटों को बनाने के लिए कितने रुपयों का खर्चा आता है? नहीं ना? तो इसे जानने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में हुए इस कांड को जानना होगा, जहाँ इन 3 लोगों की गैंग को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। साथ ही इनके पास से 30,000 रुपयों के नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए, जिन्होंने बाद में पुलिस के सामने अपने इस नकली नोटों के धंधे का पूरा सच खोल दिया। और इसके चलते उन्होंने ये बताया कि 10,000 के जाली नोट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 4,400 रुपयों का खर्चा आता है, यानी एक नोट बनाने के लिए सिर्फ 8 रुपए खर्च होते थे। लेकिन गाइस, इस काम में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि ये लोग पकड़े ही जाते हैं। बात करें नकली कैश को सप्लाई करने की, तो इनका ये करने का तरीका बाकियों से अलग था। ये लोग सेल्समैन की मदद से सभी ठेकों पर 10,000 की नकली गड्डी पहुंचाते थे, जिसके बदले में इन्हें और ठेकेदारों को 5,000 रुपयों का मुनाफा होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठेकेदार इन नकली नोटों का क्या करते होंगे, तो ये भी एक स्कैम है, जिसमें ठेकेदार दुकान पर आए लोगों को असली नोटों के बदले नकली नोट चिपका देता था, और नशे में धुत होने की वजह से लोग अपने पैसों को ठीक से चेक भी नहीं करते थे, और इसी चीज का फायदा उत्तर प्रदेश के कई ठेकेदारों ने उठाया। खैर ये नकली नोट ज्यादा से ज्यादा किसी छोटी मोटी दुकानों में ही चलेंगे, ना कि किसी बैंक में, क्योंकि बैंक में नोटों को कंप्यूटराइज तरीके से चेक किया जाता है, जिससे चुटकी में नकली नोटों का पता लगता है, और इसी वजह से आरबीआई ने 2020 में 5,45,00,000 के जाली नोट पकड़े है। यही नहीं, 2021 में 100 रुपए के भी नकली नोट पकड़े गए है, इनकी वैल्यू 1.5 करोड़ के आसपास थी। वही बात करें 500 के नोटों की, तो इसी साल में 500 के 39,400 नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 20 लाख के आसपास है। वैसे देखा जाए तो अभी भी मार्केट में कई लोगों द्वारा जाली नोटों का सर्कुलेशन हो रहा होगा,
लेकिन जिससे हमारे पास भी नकली नोट आ सकती है और इससे बचने के लिए क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। हम जब भी किसी बड़े अमाउंट वाली नोट को लेते हैं तो उसे लाइट की तरफ ले जाकर चेक करते हैं, जिससे हमें नोट के भीतर गांधी जी का वाटर मार्क नजर आता है, जो कि नकली नोटों को पकड़ने का एकदम सही तरीका है। साथ ही आप एक और तरीका भी अपना सकते हैं, जिसमें नोट को थोड़ा फोल्ड करें तो सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है और ऐसा नकली नोटों में होना नामुमकिन है। इसी के साथ असली नोटों पर देवनागरी में लिखा वैल्यू ऑफ मनी और अशोक स्तंभ भी होता है, जिसे नॉर्मली नहीं बल्कि रफली प्रिंट किया जाता है ताकि छूकर ही असली नकली में फर्क समझा जा सके। तो अभी आप में से सभी ये समझ गए होंगे कि नकली नोटों से कैसे बचना है और इन्हें किस तरह चेक करना है। वैसे नकली नोटों के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया, लेकिन अभी आप ये जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि आखिर असली नोटों को कैसे बनाया जाता होगा गवर्नमेंट से। तो इसे जानने के लिए हमें गवर्नमेंट के प्रिंटिंग प्रेस पर एक नजर मारनी होगी, जहाँ नोट बनाने के लिए कॉटन से बने कागज और खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही मिलती है। इन पेपर शीट को एक खास तरह की मशीन साइमंटन में डाला जाता है, जिसके बाद इस दूसरी मशीन जिसका नाम इंटरव्यू है, इसमें नोट बनाने वाले कलर को ऐड करते हैं, जिससे नोट प्रिंट होते हैं। एक शीट में 32 से 38 नोट छपे हुए होते हैं, जिसके बाद इन नोटों पर खास तरह की स्याही की मदद से उनकी वैल्यू प्रिंट करते हैं और साथ ही इस पर बारीकी से डिटेल प्रिंटिंग करते हैं। अगर नोटों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो उसमें से हम इस शार्पनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये होने के बाद नोटों के अंदर इस तरह की चमकीले रेशे भी डाले जाते हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा जा सकता है। यह सब हो जाने के बाद इन नोटों पर उनका नंबर डालते हैं, जिन्हें बाद में एक एक करके बारीकी से चेक करते हैं ताकि अगर कोई नोट खराब निकले तो उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके और उनकी जगह नए नोट बनाए जाए। ये सब होने के बाद हमारी करेंसी पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे इंडिया की सभी बैंक्स में RBI द्वारा सप्लाई किया जाता है। वैसे क्या आप जानना चाहते हैं कि RBI को ये नोट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है? तो हम आपको बता दें कि RBI को 10 और 50 रुपए के नोट बनाने के लिए 1 रुपए 1 पैसे का खर्च आता है। 100 रुपए का नोट छपता है 1 रुपए 51 पैसे में और वही 500 के नोट बनाने के लिए 2 रुपए 57 पैसे खर्च होते हैं।